हाय, वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं अपने गार्डन के जिन प्लांट्स से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्लांट जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है उसे हम बेबी टीयर्स प्लांट या सोलेरोलिया प्लांट भी कहते हैं। ये एक वार्म ह्यूमिड लविंग प्लांट है जो शेडी प्लेसेस में रहना पसंद करता है। इसको जो है हम ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट जो है इसको बहुत खूबसूरत लगती है और ये उसी जगह पर बहुत ही अच्छा फ्लरिश करता है। अगर हम इसे किसी और दूसरी जगह पर रखते हैं डायरेक्ट सनलाइट में तो वहाँ पर इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। इसको हम जो है इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए और जिस बास्केट में हम इसे लगाएं उसका ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए। इसको में हम काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र और हम इसका प्रोपोगेशन थ्रू कटिंग करते हैं। तो ये थी फर्स्ट प्लांट के बारे में आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी, जिससे आप अपने गार्डन के प्लांट को अच्छी तरह से फ्लरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है पीलिया माइक्रोफाइला। इसको हम गन पाउडर प्लांट, आर्टिलरी फन और रॉक वीट के नाम से भी जानते हैं। ये एक शेड लविंग, मॉइस्चर लविंग प्लांट है और इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं। इसकी कई लोग इसको बेबी टीयर्स प्लांट के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बेबी टीयर्स प्लांट की लीव्स इतनी ज़्यादा ग्रीन नहीं होती है, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर की होती है और इनकी लीव्स का साइज़ थोड़ा सा बेबी टीयर्स प्लांट की तरह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रोपोगेशन भी थ्रू स्मॉल कटिंग होता है। वेल ड्रेन्ड होल वाले पॉट में इसको हमें ग्रो करना चाहिए और ये एज ए फिलर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं कहीं हमें स्पेस फिलअप करना हो वहाँ हम इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है हवाईयन स्पाइरल प्लांट। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट माना जाता है और इसकी जो ग्रोथ है वो जो है बहुत जल्दी होती है और इसमें जो है प्रोपोगेशन के लिए छोटे छोटे रनर्स निकलते हैं और रनर्स में जो है छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और उसके बाद इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो करते हैं। अगर आप अपने बास्केट को बुशी अपीयरेंस देना चाहते हैं तो आप इसके रनर्स से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उसमें जो है टोटली पूरा डेवलपमेंट होता है। रूट्स प्लस प्लांट लीव्स इसमें ग्रो करती है, उनको आप दोबारा से अपनी बास्केट में लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका प्लांट पूरा बुशी, बास्केट पूरी बुशी हो जाए तो इसके जो रनर्स नीचे लटकते हैं वही इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है लुक देते हैं। ये स्पाइडर प्लांट से डिफरेंस इस तरह का है कि स्पाइडर प्लांट में वाइट एंड ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स होती हैं बट इसकी लीव जो है टोटली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये जो है मॉइस्ट लविंग और ब्यूटीफुल प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टेंगल हार्ट प्लांट है। इसे प्लू प्लांट भी कहा जाता है। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी पत्तियां जो है थिक होती हैं और एक सैप से भरी होती है। अगर आप इसको हाथ से पिंच करेंगे तो आपको एक सैप निकलता हुआ दिखाई देगा और ये एक शेड लविंग प्लांट है। इसमें बहुत कम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और जब ये बास्केट पूरी बुशी अपीयरेंस ले लेती है तो इससे जो है इसकी छोटे छोटे स्टेम जो है नीचे की ओर लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लुक इस बास्केट को देते हैं और ये जो है डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं और अगर हम इसको धूप में ज़्यादा रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो झड़ने लगती हैं। इसलिए हमें जहाँ तक कोशिश हो इसे पार्शल सनलाइट में या शेडी एरिया में रखना चाहिए। हम इसको कुछ टाइम के लिए इंडोर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसका प्रोपोगेशन थ्रू इसके छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं और हर नोड पोर्शन से रूट निकलती है, वहाँ से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी टहनी भी मिले उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टर्टल वाइन प्लांट है, जिसे कैलिसिया रिपेंस भी कहते हैं। ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इस प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इसे देखकर समझ में मुझे ये नहीं आता कि इसका नाम टर्टल वाइन, टर्टल से क्यों इसको रिलेट किया। आप एक छोटी सी टहनी भी अगर इसके लेकर आते हैं और आप अपनी बास्केट में लगाते हैं तो धीरे धीरे आप उसकी कटिंग से इसको पूरे कुछ ही टाइम बाद ये पूरी बास्केट को कवर कर देते हैं और उसके बाद जब इसकी आउटग्रोथ होती है इसके स्टेम नीचे ट्रेल करते हुए आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है प्लांट लगता है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे थ्रू स्टेम प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बास्केट में लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है पीलिया डिप्रेशा और शाइनिंग क्रीपी चार्ली। ये जो प्लांट है इसकी लीव जो है ऊपर की साइड अपर सरफेस डार्क ग्रीन कलर की और नीचे से थोड़ा सा पर्पल कलर लिए हुए शेड लिए हुए होती हैं और गुच्छे में इसकी लीव बुशी अपीयरेंस जो है बास्केट को देती हैं और जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो बाकी ये भी नीचे की ओर ट्रेल करता है।
इस प्लांट को वाटर जो है बहुत कम इसको वाटर की ज़रूरत होती है, और इसकी जो प्रोपेगेशन है हम इसका वो टू स्टेम्स को जो है पानी में रख करके उसके थ्रू भी इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, और स्टेम कटिंग के थ्रू भी हम इसको लगा सकते हैं। अगर हम इसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी लीव जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की हो जाती है और इसकी जो ब्यूटी है वो उतनी अच्छी नहीं लगती, लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। तो ये थी जानकारी हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले कुछ ब्यूटीफुल प्लांट्स के बारे में। आशा है आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।